फिश फार्म पे, भाई और मैं साहिल भाई के फिश फार्म पे, तो यहाँ का सारा नॉलेज लेंगे और आपको बताएंगे यहाँ के बारे में। होती है ये आपको दिख रही होगी, काफ़ी लंबा एरिया है इन लोगों के पास। और जब स्टार्टअप करते हैं तो हम थोड़ी सी जगह में भी कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और आपको दूर दिख रही होंगी ये कुछ थैली वगैरह लगी हुई हैं, ये ताकि ऊपर से जो पंछी मछलियों को ना खाएं इसके लिए इसकी व्यवस्था की गई हुई है। और इसे कुछ फार्म है, काफ़ी लंबा है। और हालांकि ये तालाब नहीं है, इन लोगों ने खुद हाथ से बनाया हुआ है, पर्सनली तालाब नहीं है। इस तरीके से कुछ जाल लगा दिया जाता है ऊपर से, ताकि जो पक्षी होते हैं वो मछलियों को कोई भी नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इस तरीके से होती है खेती यहाँ पर। आप सबका मेरे YouTube चैनल में, और आज आए हुए हैं हम फिश फार्मिंग दिखाने के लिए कि किस तरीके से फिश फार्मिंग होती है और फिश फार्मिंग का बिज़नेस किस तरीके से होता है। तो ये भाई अभी हमको बताएंगे कि फिश फार्मिंग किस तरीके से होती है। तो आपका नाम क्या है? साहिल भाई। ये साहिल भाई, और ये आपको यहाँ की फिश फार्मिंग के बारे में बताएंगे। तो किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है? इसको 5 रुपये का एक नंग पड़ता है हमको, छोटा पीस 3 इंच का आता है। और खुराक के साथ हमको वो 10 रुपये में पड़ता है एक खुराक। फिर इसका 80 रुपये भाव आता है। ओके, 10 के पीछे 80 रुपये भाव आता है। छोटी मछली जब पानी में डाली जाती है तो कितने टाइम बाद बड़ी होती है? उसको 6 महीने तो इसको फुल खुराक देना पड़ता है, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है बड़ी होने का। 6 महीने उसको निकालना पड़ता है, बड़ी 6 महीने हो जाती है। 3 इंच का बियारन डालो तो 6 महीने बड़ी। 6 महीने बाद कितनी बड़ी हो जाती है मछली? किलो का नंग होता है, मतलब 3 इंच की एक छोटी सी मछली 6 महीने बाद 1 किलो की हो जाती है। तो इसमें आपको कैसा लगता है कि बिजनेस आगे है, इसमें इनकम है लोगों को कि नहीं है? कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, और इसमें अच्छा सक्सेसफुल जाता है। लेकिन इसमें कम है या ज़्यादा है, कितना इन्वेस्टमेंट में एक इंसान स्टार्ट कर सकता है? 10 लाख से चालू होता है, 5 लाख से मिनिमम, 5 लाख से चालू होता है। 50,000 बच्चा डालो, 5 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जितना इंटरेस्ट ऐसा आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो यदि किसी को मछली भी पालन करना है तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा, बिल्कुल लाते हैं। भाई का सारा कुछ कांटेक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में मुझे भी बता सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि मछलियाँ किस तरीके से खुराक है इसका। ये जो दाने हैं ये इस तरीके से काफ़ी सारी मछलियाँ हैं यहाँ। यहाँ कितनी मछलियाँ होंगी आपके हिसाब से? 2 लाख। ये इसमें 2 लाख मछलियाँ हैं, आपको दिख रही होंगी काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। और ये अभी छोटी हैं? छोटी है, अभी 2 महीने की है। अच्छा, 2 से 3 महीने की। और उसके बाद फिर ये लोग स्वाटिंग वाला है। फिर यहाँ से जब मछलियाँ कुछ हो जाती हैं तो उनको फिर शिफ्टिंग करते हैं ये इसमें। हाँ, स्वाटिंग करते हैं बड़ी, ये इसमें बड़ी मछलियाँ हैं। तो ये बाकी ये कितने एरिया में आपका जो एरिया है, ये कितने एरिया में तालाब? ये जो एरिया है वो 2 बीघे में होता है, ये दोनों 2 बीघे में। जब कोई स्टार्ट करता है तो उसको कम से कम कितनी जगह की ज़रूरत होती है? स्टार्ट करना हो इसको छोटे से, छोटा वाला करना तो 1 बीघे में कर सकता है। एक बीघे में स्टार्ट करता है, मतलब 2 तालाब 1 बीघे में कर सकता है, 1 लाख बियारण 1 बीघे में पोषण उसका हो सकता है। ओके, तो बाकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैं भाई की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उचित वैरायटी की मछली दे सकते हैं, कुछ भी बियारण करना हो तो। आपके पास वैसे कौन सी वैरायटी की मछलियाँ मिलती हैं? रूपचन है, मांग सिल्वर है, जितना आपको चाहिए जैसा माल चाहिए ऐसा माल हम ला सकते हैं। ऑक्सीजन में भी आता है, बेंगलोर से आता है। ओके, तो आप बेंगलोर से लाके उनको सबको मतलब उनके घर तक डिलीवरी करेंगे कि यहाँ आना पड़ेगा? उनके घर तक भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट उनका घर पे तलाव करेंगे उनकी खेती में, तो मतलब सारा कुछ सिखा के आएंगे? सिखाना पड़ता है हमको। ठीक है, उनको खाना कितने टाइम, मतलब कितने टाइम देते हैं? 20 किलो की आती है बोरी, इसको एक टाइम 20 किलो की सांझ को और सुबह में 20। अच्छा, किलो की बोरी चलती है। तो इसका जो दाना आता है वो भी आप देंगे जैसे किसी? हाँ, वो हमारे पास मिलता है, गोदाम भरी हुई होती। अच्छा, है उसका तो, खुराक भी हम देंगे बिल्कुल। फिर तो बड़ी होगी 2 महीने के बाद। आज जो हम यहाँ पर आए तो इस तरीके से भाई ने हमको फिश फार्मिंग दिखाई और ये हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तो इसके लिए यदि आपको कभी भी मछली पालन या फिश फार्मिंग के बारे में नॉलेज लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट में मैसेज भी कर सकते हैं, और भाई का नंबर तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, तो आप इनसे भी कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो और न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए